वादा पूरा कर ले इससे दस कर। मतलब आप लोगों ने जो कमेंट करे ना बहुत मतलब दिल को ऐसे अंदर तक छूने वाले थे, मन कर रहा था कि अभी उठूं एक कैमरा उठाऊं और एक प्यारा सा ब्लॉग आपके लिए बना के दे दूं। बट उसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला था कि भैया आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, मुझे मोटिवेट करे और कंटेंट बनाने के लिए। तो आप में से 20% लोगों ने कहा भैया कि आप हमें इस तरह की वीडियोस बना के दो और 80% लोगों ने कहा कि आप टूरिस्ट प्लेसेस से रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो ओवरऑल आपके जो विचार है मैं एक बार आपसे फिर पूछ लेता हूँ, क्योंकि भैया जनता जनार्दन तो आप ही हो, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं आपको कंटेंट देना पड़ेगा। तो बॉस आपसे फिर पूछ लेते कि आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और जो आपने इतनी प्यारे प्यारे कमेंट करे ना उसके लिए आपको एक बार ब्लॉगिंग वाले स्टाइल में तो गले लगाना बनता ही है। आओ यार फिर ब्लॉग स्टार्ट करें। तो आज के ब्लॉग में आपको लेके जाने वाला हूँ दिल्ली के सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पे, जहाँ पे वेट एक्सले का मतलब ऐसे समझाने का मतलब फील ही अलग है बॉस। तो आज की ब्लॉग में हम आपको सबसे पहले लेके जाने वाले हैं हुनर हाट। हुनर हाट मतलब वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फूड, डिफरेंट टाइप की कलाकृतियाँ और अलग अलग स्टेट की देखने को मिलने वाली है। देन उसके बाद हम जाएंगे इंडिया गेट, जहाँ पर जबरदस्त फोटोशूट और कुछ टाइम लैप्स। और उसके बाद लेके जाने वाले हैं आपको नेशनल वॉर मेमोरियल, जहाँ पर है चार चक्रों के भीतर अमर जवान ज्योति और 25,000 से भी ज़्यादा सैनिकों के नाम जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं। तो बॉस मतलब आज का ब्लॉग एकदम फुल पावर होने वाला है, मतलब चिप्स और पॉपकॉर्न पकड़ के बैठने का, पूरे ब्लॉग का ना आनंद लेने का। तो मतलब दिल्ली में ना पूरी तरीके से गर्मी आ चुकी है, मतलब स्कूल आना पूरा वेस्ट है यहाँ पे। तो अभी मैं हूँ केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पे, जो है तुम्हारे इंडिया गेट से सबसे पास का मेट्रो स्टेशन। यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर है इंडिया गेट। तो पहले थोड़ा नज़ारे देखते हैं फिर चलते हैं। सही है यार, अगर मुझे पता होता ना कि यार यहाँ पर ऐसे बोटिंग वगैरह का सीन है तो एक दोस्त को तो पक्का लेके आता। वैसे मैंने बोला है दोस्त से कि अगर वो आ जाता है तो बढ़िया ही है, वरना नहीं तो हम संभाल लेंगे पूरा ब्लॉग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो सही यार एक बार, और गर्मी आ गई तो मतलब फील आ रहा है उसको करने को, और क्रिकेट चल रहा है भाई, संडे वाले दिन तो इधर ही मज़े आएंगे। अब चलते हैं हुनर हाट चलेंगे पहले। इधर साइड स्टेज है, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होते हैं शाम के टाइम पे, एंड अपोजिट साइड में आपके सोफ वगैरह हैं। चलते हैं स्टॉल पे, एक्सप्लोर करते हैं और ढूंढते हैं अपना पहाड़ी खाना भाई। जा हुनर हाट में दिखने वाले प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत थे, अलग अलग स्टेट्स की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता और वहाँ की कला यहाँ हुनर हाट में भी दिख रही थी। बट ये प्रोडक्ट जितने दिखने में खूबसूरत है ना बॉस, उतनी खूबसूरत इनके प्राइस हैं, आई मीन एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये सभी प्रोडक्ट थे। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा हुनर हाट का, बल्कि तो मोदी से पूछता कि भाई हुनर हाट में सामान इतना महंगा क्यों, तो मोदी जी बताइए हुनर हाट में इतना महंगा सामान क्यों बिक रहा है, छोटे से कप की 450 रुपये कीमत मोदी जी आंसर ही नहीं कर रहे मोदी। चलो घूम के आते फिर मिलेंगे आपसे, मोदी जी ने जवाब ही नहीं दिया हमसे। हुनर हाट में उत्तराखंड से रिलेटेड दो दुकानें थी, मतलब जहाँ पर उत्तराखंड का सामान मिल रहा था, एक थी जहाँ पर लेडीज सूट मिल रहे थे और एक दुकान थी ड्रिफ्टवुड इंडिया, जहाँ पर मतलब लकड़ियों की जो जड़ें होती हैं हमारे पेड़ों की जड़ें, उस पर आर्ट करके वो रखे हुए थे। तो बेसिकली ये मुझे बहुत पसंद आया उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट, पिथौरागढ़ से थे भाई। और उत्तराखंड से रिलेटेड खाना बॉस यहाँ कुछ भी नहीं था, अगर खाना होता ना उस मामले में हम कभी पीछे नहीं रहते। सो गाइस डन विद हुनर हाट, राइड हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत क्राउडी था, थकान लग गई है थोड़ा सा। अब थोड़ी देर इधर बैठते हैं 15-20 मिनट, इंडिया गेट मेरे पीछे ही है, वहाँ जाते हैं उसे एक्सप्लोर करते हैं, जिन हम जाएंगे नेशनल वॉर मेमोरियल। ओके तालाब जैसा इधर मच लेते हैं थोड़ी देर। तो हम आ चुके हैं इंडिया गेट, और इंडिया गेट आ रहा हूँ लगभग 8 या 9 साल बाद। इससे पहले मैं जब आया हुआ था तो मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैं आप लोग के शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर इंडिया गेट में खो चुका था, कि उस समय टाइम पर रात के 8 या 9 बज रहे थे और मुझे कुछ चीज़ पसंद आ गई थी, उसे देखने के चक्कर में गया उधर को और अपने घर वालों से अलग हो गया। फिर थोड़ी देर बाद
सब चीज़ ओके हो गया था। तो बॉस जस्ट मेरे आपके सामने है इंडिया गेट, अब फील लेते हैं इसका, कुछ फोटोज वगैरह लेते हैं। ये है इंडिया गेट के सीन, और यहाँ आके ना सिर्फ फोटो खिंचाना और बढ़िया से ना सिर्फ ब्लॉग्स बनाने ना मतलब सिर्फ वही मकसद नहीं है। यहाँ आके ना कहीं आपको याद आती है कि बहुत जो हमारे सेनानियों ने जो शहादत दी थी उसकी याद, इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पर बनाई गई है, वो चीज़ ना मतलब दिल में मतलब एक जोश टाइप का यहाँ पर फील होता है, और उसी जोश को फील करने के लिए आपको ले जाते हैं हम नेशनल वॉर मेमोरियल, जैसे थोड़ा सा दूरी पर है। तो भाई हम पहुंच गए नेशनल वॉर मेमोरियल, देख रहे हो फ्रेम, देख रहे हो इसी फ्रेम के चक्कर में शाम को आया था, पीछे इंडिया गेट, ये नेशनल वॉर मेमोरियल। आवाज़ थोड़ा 19-20 होगी क्योंकि भाई हमारा ट्राइपॉड रख लिया गया, मैंने कहीं से अरेंज करवाया था ला, इसमें मैंने अपना ट्राइपॉड वगैरह रख लिया, अंदर अलाउ नहीं है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल में चार चक्र है मेनली, तो ये रक्षक चक्र जहाँ मैं अभी हूँ, ये रक्षक चक्र, इसमें पेड़ लगाए गए हैं, जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो मतलब पूरा ये कवर हो जाएगा। और देन सेकेंड है त्याग चक्र, ये हाँ इसे बेसिकली जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे आज़ादी के टाइम पे उनके सारे नाम और उनके रेजिमेंट वगैरह यहाँ पे लिखे गए हैं। ये सेकंड चक्र है त्याग चक्र, इसके अंदर दो चक्र और हैं, वहाँ चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है डिजिटल स्क्रीन। डिजिटल स्क्रीन में क्या होता है कि यहाँ पर जितने शहीदों का नाम लिखा गया उनको श्रद्धांजलि दे सकते हो। स्क्रीन में मतलब अभी खराब हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या डिस्प्ले पे आता है, देन आपको यहाँ पर डिजिटली रूप से आप श्रद्धांजलि दे सकते हो, पुष्प अर्पित कर सकते हो, और साइड पर काउंट करते हैं कि भैया कितने लोगों ने अभी तक श्रद्धांजलि दे चुके हैं। अभी थोड़ा स्क्रीन खराब हुई, क्या पता इन्होंने बंद करी होगी, शाम का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ होता है। अब चलते हैं अंदर के जो दो चक्र बचे उनको विजिट करते हैं। सो गाइस जब मैं अमर जवान ज्योति के करीब पहुंचा, यानी तीसरे और चौथे चक्र के पास में पहुंचा, तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। मुझे लगा कि यार सब टूरिस्ट लोग होंगे, फोटो वगैरह ले रहे होंगे, बट ऐसा नहीं था। वहां पे सामूहिक रस्म होती है गार्ड परिवर्तन रस्म या रिट्रीट समारोह। तो इस समारोह मेनली होता है जब अमर जवान ज्योति के सामने जवान खड़ा होता है जो उसकी रक्षा करता है, तो इस समारोह का चेंज हो जाता है। जैसे सुबह से शाम तक का आपका थल सेना का जवान वहाँ पर खड़ा रहेगा, लेकिन जब ये समारोह होगा तो प्रॉपर इस समारोह के बाद वहाँ पर वायुसेना का जवान खड़ा हो जाएगा। जो रस्म अभी आप देख रहे हैं ये वही रस्म है, बट वहाँ पे ऐसा ना बोलना अलाउ नहीं था या उनसे पूछना अलाउ नहीं था यहाँ पे क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, लेकिन वहाँ की वाइब भी ऐसी नहीं थी कि वहाँ पे आप व्लॉग कर पाओ, तो हमने इसे फील करा। अब आप इसे एंजॉय करो। तो बस ये थर्ड चक्र वीरता चक्र जो अभी आपने सेरेमनी देखी, मतलब हर शाम को होती है मे भी यहाँ पे, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता होगा, बट मैं नीचे पहुँचा आपको थर्ड चक्र दिखाने के लिए, यहाँ पे सेरेमनी होगी। ये पूरी सेरेमनी भी यहाँ पे आधा घंटा चली, रिट्रीट सेरेमनी थी, इसमें मतलब जो शहीदों को होती श्रद्धांजलि दी जाती है, तो वो सेरेमनी यहाँ पे कम्प्लीट भी 6:30 का टाइम हो चुका है। और ये वीरता चक्र थर्ड वाला, और देन ये है अमर जवान ज्योति चौथा चक्र है। तो यहाँ पे जाने की हमें परमिशन नहीं है, तो यहाँ तक है, इसे हम कवर करते हैं, देन आपको इसे पूरा घुमाते हैं, फिर मिलता हूँ। बाहर आ चुका हूँ, एग्जिट ले लिया है, और अंदर मैंने ब्लॉग शूट किया, क्योंकि एक तो परमिशन ली थी ट्राइपॉड वगैरह की, देन वहाँ पे थोड़ा सा समझ रहे हो माहौल थोड़ा देशभक्ति वाला माहौल था, तो वहाँ पे ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो आप जो उस चीज़ को समझने का मतलब तो आपने समझ लिया होगा, क्योंकि अभी चार चक्र थे और चार चक्र मैंने आपको दिखाई।
जितना भी वहाँ बेसिकली चार चक्र थे, मैंने आपको उनका मतलब समझाया। अगर आप किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। एंड अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे दोनों फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई, ये भी बंद होने वाला है और ये भी बंद होने वाला है। 10% से नीचे आ गए दोनों, बहुत शूट किया मैंने ब्लॉग, लगभग 10-11 मिनट का बना होगा अभी। तो बॉस आज के ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं, आई होप आपको ब्लॉग में मज़ा आया होगा। तीन चीज़ें कवर करी, हुनर हाट, इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल, और मेरा फेवरेट था नेशनल वॉर मेमोरियल। और फिलहाल मैं वहीं पर बैठा हूँ अभी, और जहाँ पर बैठा हूँ बॉस आपको दिखाऊँ एक बार। बस ये है वाइफ्स यहाँ की, क्या फोटोज आ रही प्यारी, बट मैं अकेला आया हूँ तो इतना है नहीं कुछ। तो बस इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, और यहाँ पे बहुत देर से बैठा हूँ। क्या वाइफ से देखो, पीछे लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही, फोटो शूट के लिए तो एक नंबर है बॉस। तो गाइस अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर सब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सब कुछ फ्री है आपके लिए। लेकिन जो यहाँ की वाइफ्स हैं गाइस, इतनी देशभक्ति वाली है ना, मतलब आपका मन करता है कि हाँ यार इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बॉस पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बॉस फिर से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। कोशिश रहती है कि आपको हमेशा मैं कुछ ना कुछ नया दूँ, जिससे कुछ नया सीख पाए। तो बस यही था आज का व्लॉग, मिलता है आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत बढ़िया फ्रेम है, फिर मिलता है आपसे।